आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये मैंने फ्रिल बनाई है। और देखिए ये ब्लाउज मेरा 34 साइज का है और अभी आपको बताऊंगी इसमें डिजाइन कैसे डालें। तो मैंने लाइनिंग और ब्लाउज पूरा स्टिच कर लिया है देखिए, और अभी जो नेक डिजाइन है वो कैनवास पर कट करूंगी और उसके बाद फिर हम इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए अभी हमने कैनवास लिया है, इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दोनों बता देते हैं। देखिए लंबाई मैंने इसकी 12.5 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 11.5 इंच ली है। और जो ये 34 साइज के ब्लाउज के लिए है और नेक आप ये किसी भी साइज के ब्लाउज में डाल सकते हैं। तो देखिए ऊपर से 3.5 इंच लेंगे और उसके बाद हम नीचे तक का निशान लगा लेते हैं। तो मैं इसको 11 इंच ले रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जो ऊपर का नेक है वो हमारा 2.5 इंच है। और इसको हम 1 इंच की गोलाई दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच छोड़ देते हैं। और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो नीचे से ये थोड़ा सा ब्रॉड आएगा हमारा, जो लाइन हमने खींची है इससे थोड़ा बाहर जाएगी। ये इस तरह से आएगा यहाँ से। तो ये तो हमारा अंदर का नेक हो जाएगा। अभी हम बाहर का साइज लेते हैं। तो यहाँ से हम 1.25 इंच के आसपास इसका चौड़ाई लेंगे बुकरम का। सबसे पहले अंदर वाला लाइन कट कर लेते हैं। यहां से हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लूप आएगा और बटन आएगा। देखिए इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। अभी हम क्या करते हैं, जो हम पैच डालने वाले हैं, हमने ये प्लेन कपड़ा लिया है और इस कपड़े पे इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इतना पीस हम एक सेपरेट कट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ पूरा इसको स्टिच कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और फिर जो 1/2 इंच बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा लेके फिर इसके आउटसाइड भी कट कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसको यहाँ पर पूरा स्टिच कर लेंगे और बाद में फिर हमने बताया जैसा कि ये जब सेट हो जाएगा तो 1/2 इंच छोड़ के ये बाहर का कपड़ा भी कट कर देंगे और जो 1/2 इंच लेंगे और उसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए जब हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा उसके बाद हमने ये फ्रिल बनाई है। ये मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लेन छोड़ दिया है और 3 इंच से जो कपड़ा लिया है और वो मैंने उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 3 मीटर 2.5 मीटर जितना आपके पास कपड़ा है उतनी लंबी पट्टी कट कर लें। और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया। तो फ्रिल का क्या है, आप इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रिल डालती जानी है। देखिए जब ऐसे फ्रिल डालेंगे यहाँ पर स्टिच डाल देंगे तो इसी तरह से ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। तो देखिए आप फ्रिल तैयार कर लें और जो हमारा नेक ड्राफ्ट है इसको तैयार कर लेंगे, फिर हम इसको नेक पे अटैच करके फिर इसकी डिजाइन देंगे। देखिए ये हमने पूरा स्टिच कर दिया, देखिए इस तरह से आएगा ये। और मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, बाकी का सब कट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरह से पलट के सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए ये मैंने फोल्ड कर दिया है, अभी हम ब्लाउज में स्टिच करते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज है और इसको हमको उल्टा रखना पड़ेगा क्योंकि जो पैच है बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर ये जॉइंट आ रहा है, इसी तरह से आप यहाँ पर निशान लगा लें
और अभी हम क्या करेंगे, इस ब्लाउज को यहाँ से दोनों शोल्डरों को इस तरह से पकड़ लें और एक शोल्डर सेंटर दे दें बीच में से, और नीचे तक भी इस तरह से एक निशान लगा लें। और अभी पैच को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे और एक बीच में स्टिच डाल देंगे जिससे कि ये पार्ट हमारा पूरा सेट हो जाएगा। करते हैं जो हमारा नेक का शेप है पूरा शेप में स्टिच डाल देते हैं। ये पैच मैंने पूरा स्टिच कर दिया, अभी हम क्या है इस पार्ट को कट कर देते हैं, तो हाफ इंच छोड़ दें। तो देखिए मैंने कट कर दिया, बीच बीच में कट मार देंगे जिससे पलटने में आसानी रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और पैच को अपनी तरफ पलट देंगे और जो ये पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल देंगे। तो देखिए ये मैंने पलट दिया है पैच और आयरन कर लिया, तो ये सेट हो गया है। अभी हम यहाँ पर प्लेट डाल देते हैं, तो इस तरह से उल्टा कर लें और जो हमारा ब्रॉड है उसके साइड से प्लेट डालें। तो देखिए हमने दोनों साइड में प्लेट डाल दी है। अभी हम बताते हैं यहाँ पर फ्रिल लगानी है, तो क्या करना है, अभी जैसे मैंने ये प्लेट रखा है तो अभी आपको बताती हूँ कैसे प्लेट डालनी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लें और ऐसे करते हुए इस तरह से आप फ्रिल डालते हैं इसमें। इसी तरह मैंने ये सारे फ्रिले तैयार कर लिए। अभी हम क्या करते हैं, इन फ्रिलों को इसके अंदर से इस तरह से रखेंगे पैच के अंदर, और जो हमारी नेक की शेप है सेम शेप में इस पर पहले स्टिचिंग डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसको लेस लगा के थोड़ा डिजाइनर बनाएंगे। कि ये फ्रिल मैंने पूरा नेक में एक साइड से स्टार्ट की, दूसरे साइड स्टॉप कर दी। ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है जो कि इस लेस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से, और जो हमारा अंदर नेक है उसमें हम बीट लेस लगाएंगे। देखिए ये मोती वाली लेस है, तो ये मोती वाली लेस हमारी इस तरह से आएगी अंदर से और गोल्ड वाली हमारी बाहर आएगी। मैंने लगा दी है और मैंने देखी ये वीट वाली लेस है जो कि हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे यहाँ से लेके सेम नेक में, और उसके लिए हमको फुटर चेंज करना है जैसा कि मैंने चेंज कर दिया है। और उसके बाद ये मैंने लूप बनाया है जो कि हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, इधर इधर हमारा लूप आ जाएगा, लेफ्ट साइड में एक बटन आ जाएगा, तो इसका लूप इस तरह से दिखेगा। तो देखिए अंदर हमने पूरे में लेस लगा दिया है और ये बटन लिया है, ये क्लॉथ का बटन है, और इस तरह के बटन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बटन लग जाएगा और इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे तो इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज नेक डिजाइन बना सकते हैं। इसी ब्लाउज का मैंने ये स्लीव डिजाइन भी बनाया है, आप चाहें तो ये भी देख लें जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइन बन सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।